Next question. Question says a particle moves in a circle describing equal angles in equal times. Its velocity vectors, option MRA remains constant, change in magnitude, change in direction, change in magnitude and direction. Now, simple सवाल है, हो ये रहा है, basics पे जाएगा कि ये आपका एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन यहाँ से, let's say यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो उसने एक थीटा एंगल बनाया है टी टाइम में, उसका अगेन थीटा एंगल बनाया अगले टी टाइम में, सिमिलरली अगेन एक और थीटा एंगल बनाया अगले टी टाइम में. सो इस केस में जो आपका एंगुलर यहाँ से यहाँ लेट से ट्रैवर्स किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो आपका टी हुआ है. ओमेगा जो है उसको हम लिखेंगे थीटा डिवाइड बाय टी, क्योंकि हर टाइम में थीटा सेम है, तो इसका मतलब ओमेगा को हम कहेंगे यहाँ पे कांस्टेंट है. वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं आर ओमेगा. सो इसकी वैल्यू भी आपकी कांस्टेंट हो गई, तो मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट रहेगा. नाउ अगर पार्टिकल को देखेंगे तो आपका पार्टिकल जब यहाँ पे था तो उसकी ये वेलोसिटी, यहाँ पे था इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो सर्कुलर डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. तो इस केस में यहाँ पे आपका चेंज इन डायरेक्शन वुड बी द राइट ऑप्शन. आपका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट नहीं, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों लिखते हैं हम. वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, सो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आएगा. तो मैग्नीट्यूड तो आपका सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो इट विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट. मैग्नीट्यूड आपका चेंज नहीं होएगा, डायरेक्शन में चेंज होएगा. चेंजेस इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये भी गलत ऑप्शन है. सो ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर. आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया.